नमस्कार, एक फिर से स्वागत है आपको टुडे के मार्च न्यूज कार्यक्रम में। मेरे साथ यानी कुमार अभिषेक के साथ, और आज हम फिर से हाजिर हैं पंजाब राज्य की 20 बड़ी खबरों को लेकर के। राज्यपाल को लिखी गई चिट्ठी, कहा नवजोत सिंह सिद्धू सैलरी ले रहे हैं पर काम नहीं कर रहे हैं, एक्शन लिया जाए। मिल्खा सिंह, बलबीर सिंह और हरभजन सिंह समेत 99 खिलाड़ियों को आज मिलेगा महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड। थानों में न लगाएं महिलाओं से भेदभाव करने वाले अफसर, नियुक्ति से पहले सलाह ले लें, महिला आयोग ने कहा। पाकिस्तान से नमक की बोरियों में नशा मांगने के मामले में खुलासा, मोहरा बनाकर के बिछाया गया जाल। चंडीगढ़ में उड़ीसा की महिला के साथ दुष्कर्म, ऑटो चालक ने घर ले जाकर के किया दी वारदात। ननकाना साहिब से शुरू होने वाले नगर कीर्तन का अटारी सड़क सीमा पर होगा स्वागत, करेंगे विश्राम। पंजाब में डेयरी मालिक के वक्फ बोर्ड के ईओ ने मांगी थी 40,000 की रिश्वत, 35,000 लेते विजिलेंस ने धरा। अमृतसर कोर्ट का बड़ा फैसला, विचाराधीन कैदी की मौत मामले में 11 पुलिसकर्मियों सहित 13 को उम्र कैद। चंडीगढ़ वासियों को मिली राहत, अभी पार्किंग रेट में नहीं होगा इजाफा। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों के छात्रों के लिए एनसीसी अनिवार्य। रंधावा ने एसजीपीसी प्रधान पर साधा निशाना, बोले अकाली दल के हाथों खेल सिख संगत को पहुंचाई ठेस। पंजाब में बिजली पर गरमाई सियासत, आपने बादल सरकार को बताया जिम्मेदार। कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, पाक ने किया स्वागत। 2050 को ध्यान में रखकर के तैयार हो रही हर घर जल योजना, कहा सरकार ने। नागरिक सैन्य संबंधों को सुधारने में भारत का समर्थन चाहता है मालदीव। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में अराजकता, कई राज्यों में आपस में भिड़ रहे दिग्गज नेता। पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के दूसरी बैठक के लिए भारतीय मीडिया को आमंत्रित किया। पंजाब नेशनल बैंक के शटर का ताला तोड़ करके 6 मॉनिटर स्क्रीन की चोरी। 3 जिलों में 70 से ज्यादा बैठकें, अब 2 विधायकों ने विधानसभा में उठाया मुद्दा। पंजाब के प्रदूषित पानी को बताया मौतों की वजह। सैलरी लेने के बाद भी काम नहीं कर रहे सिद्धू, बीजेपी ने कहा एक्शन ले सरकार। तो ये थी पंजाब तथा देश से जुड़ी कुछ बेहद ही अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहे टुडेज़ न्यूज़ चैनल।